नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सुनील कुमार राणा। जिस विषय पे मैं बात करने वाला हूँ वो है स्किन केयर फॉर मेन। जनरली मेंस अपने स्किन को लेके ज्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, कोई भी क्रीम मिल जाए, कोई भी प्रोडक्ट मिल जाए इजीली यूज कर लेते हैं और वक्त के साथ चेहरे के ऊपर साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, फ्रैकल्स, ब्लेमिशेस, हाइपरपिगमेंटेशन, क्रो फीट, फाइन लाइंस, रिंकल्स, एक्ने स्कार्स, स्पॉट्स और ये सब कुछ चेहरे पे देखने के लिए मिलेगा जो वक्त के साथ और खराब होता जाता है। इसलिए आपको अपने स्किन के बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है थोड़ा सा आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो पहला हम बात करते हैं स्किन टाइप की। पहला तो स्किन टाइप अगर आपका नॉर्मल है तो इसमें हर चीज सूट हो जाती है, आपका चेहरा अच्छा दिखता है, बेटर दिखता है। सेकेंड होता है सेंसिटिव टाइप, जिसमें बहुत चीजें इजिली सूट नहीं करती हैं, चमड़ा बहुत सेंसिटिव होता है, कोई प्रोडक्ट लगाओगे तो चेहरा लाल पड़ सकता है। थर्ड होता है आपका अगर स्किन ड्राई है तो फ्लेकी सी ऊपर से छिलके से निकलते हैं स्किन के ऊपर, ये बहुत ज्यादा खिंचाव मिले हुए होता है, आपको बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइजर यूज करने की इच्छा होती है। चौथा होता है ऑयली स्किन, आपका चमड़ा तेलिया है, पिंपल प्रोन होता है, चिकनापन बहुत ज्यादा है, ग्रीसीपन सा बहुत ज्यादा रहता है। और लास्ट होता है कॉम्बिनेशन टाइप, आपका फोरहेड, आपका नोज, आपका चिन का एरिया क्या रहेगा, तेलिया रहेगा, साइड लॉक्स और आपका चीक्स का एरिया क्या रहेगा, ऑयली रहेगा। अब बात करते हैं इसमें कौन सा हमें इंग्रेडिएंट चूज करना चाहिए। अगर आपका स्किन ऑयली है, अगर आपका स्किन कॉम्बिनेशन टाइप का है तो ध्यान रखिए नॉन कॉमेडोजेनिक क्रीम्स का यूज करिए चेहरे के ऊपर, अच्छा प्रोटेक्शन वाला सनस्क्रीन का यूज करिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, क्रीम फेम में या ऑयली जो है लेस हो, ये लोशन फॉर्म में आपको यूज करना चाहिए। आप ऐसा प्रोडक्ट्स का यूज करिए चेहरे के ऊपर जो फ्रेगनेंस फ्री हो, पैराबेन फ्री हो। अगर आपका सेंसिटिव टाइप ऑफ स्किन रहता है तो आपको बहुत माइल्ड क्लींजर्स का यूज करना चाहिए स्किन के ऊपर। अगर आप फेस वॉश करते हैं तो बार बार चेहरे को मत धोइए, दिन में दो बार चेहरा धोना काफी। अगर आप बहुत स्वेटी होते हैं, वर्कआउट कर रहे हैं तो आप उसके बाद भी चेहरे को वॉश कर सकते हैं। जब भी आप शेविंग करते हैं तो अच्छी शेविंग क्रीम का यूज करिए जिसमें मॉइस्चराइजर हो, एलोवेरा बेस हो। आप आफ्टर शेव यूज करते हैं तो ध्यान रखिए उसमें अल्कोहल बेस ना हो, अल्कोहल फ्री होना जरूरी है। शेविंग करने के बाद आपने देखे होंगे शेविंग बम्स निकल आते हैं, पिंपल में दाने, फोलिकुलाइटिस जैसे दाने निकल सकते हैं। इसलिए कभी भी उल्टा रेजर मत मारिए, उल्टा रेजर करने से जनरली इनग्रोन हेयर होता है जिस वजह से फोलिकुलाइटिस की कंडीशन हो जाती है। चमड़े को खींचना नहीं है जब भी आप रेजर कर रहे होते हैं। लास्ट में जितनी बार आप रेजर कर रहे हैं उतनी बार उसको रिंस करते रहिए। ब्लेड जो होती है या सिंगल या डबल ब्लेड का यूज करना चाहिए जो कि आपको हर 5 से 7 शेव के बाद चेंज कर लेना चाहिए। अपने चेहरे के ऊपर एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाइए, मॉइस्चराइजर का यूज करिए और बीच बीच में आप अपने चेहरे के लिए कोई क्लींजर का यूज कर सकते हैं, एक्सफोलिएटर्स का भी यूज कर सकते हैं, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड पील्स आती है उनका प्रयोग करिए और जितना हो सके धूप से बचिए। ये बेसिक प्रिकॉशंस हैं, अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपके चेहरे पे ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। धन्यवाद।